हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सव्यसाची क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी सेजर्स बुक क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 सर्कल एंड इट्स एलिमेंट्स एंड इट्स एक्सरसाइज 5.3। इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर बुक्स ऑफ स्वामी आत्मानंद एक्सलेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट क्लास। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एक्सरसाइज 5.3 इज गिवन हियर एंड इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है, ओनली फिल इन द ब्लैंक्स बस दिया है। सो फर्स्ट इज गिवन द एंगल फॉर्म्ड बाय द माइनर आर स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑफ इज अ ब्लैंक एक्यूट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब किसी सर्कल के माइनर या स्मॉलर पार्ट से सर्कल के किसी पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल है वो एक्यूट एंगल होता है या ऑब्ट्यूज एंगल, यह हमको फिल करना है। तो माइनर या स्मॉलर पार्ट से जो एंगल्स बनते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। सो यहाँ पे हम फिल करेंगे एक्यूट एंगल। सेकंड इज गिवन द एंगल फॉर्म्ड बाय द मेजर आर ग्रेटर पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑफ इज अ ब्लैंक एक्यूट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जस्ट फर्स्ट का ऑपोजिट है। किसी सर्कल में उसके मेजर या ग्रेटर पार्ट से उसके किसी पॉइंट पे बनने वाला जो एंगल्स है वो एक्यूट एंगल होता है या ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। सो यहाँ पे हम फिल करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड इज गिवन इन अ सर्कल द सम ऑफ द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द स्मॉलर सेगमेंट एंड द ग्रेटर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज ब्लैंक। किसी सर्कल में स्मॉलर सेगमेंट और ग्रेटर सेगमेंट के द्वारा बनाया गया जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम फिल करेंगे 180 डिग्री। सो दिस एक्सरसाइज 5.3 इज कंप्लीटेड। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.4। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट क्लास। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।